शिव योग। शिव सनातन का रूप, सनातन शिव का रूप, चाहे तो इसे धर्म कह लो, शिव आध्यात्म का स्वरूप, चाहे तो इसे आध्यात्म कह लो, लेकिन वास्तव में शिव का मायना है अनंत, इनफाइनाइट। शिव का मायना है अनंत, इनफाइनाइट। और योग किसे कहते हैं? योग का सही मायना फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योग का सही मायना है जुड़ना, मर्ज होना। जो भी ध्यान की विधियां हैं, जो भी पौराणिक विधियां हैं, उसमें योग लगाया गया है। कर्म के साथ भी योग लगाया गया है, कर्म योग। योग का मायना है जुड़ना और शिव योग का मायना वो प्रक्रिया, वो साधना जिसमें तुम अनंत से जुड़ जाओ, अनंत से जुड़ जाओ। तुम्हारे अंदर जो उपलब्धियां हैं, तुम्हारे अंदर जो पॉसिबिलिटीज हैं, तुम्हारे अंदर जो सेल्फ हीलिंग पावर्स हैं, वो लिमिटेड है, फाइनाइट है, लिमिटेड है। और जब तुम शिव योग को प्राप्त होते हो, चाहे वो तुम्हारे जीवन की सफलता हो, चाहे वो तुम्हारे पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो तुम्हारा स्वास्थ्य हो, या कोई भी तुम्हारे जीवन का क्षेत्र हो, सबकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। एवरीथिंग इज फाइनाइट, लिमिटेशन। लेकिन जब तुम शिव योग को प्राप्त होते हो, तो वो जो फाइनाइट है वो मर्ज हो जाता है इनफाइनाइट से। और जब तुम अनंत से जुड़ गए, तो तुम क्या हो गए? फाइनाइट की इनफाइनाइट। बोलो। Thank you.